हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक यानी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इंडेक्स जो है उनके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा, कौन से सूचकांक में कितने देशों ने भाग लिया और कौन से देश का पहला स्थान रहा और किसने रिपोर्ट जारी की। इन सभी चीज़ों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के अंदर और स्टैटिक्स के अंदर। तो इसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सूचकांक है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फर्स्ट हमारा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसको इंग्लिश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इसमें 94th रैंक रहा है, यानी 94वें नंबर पे भारत रहा है इसमें। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो टोटल 17 कंट्रीज इसमें रही है, 17 कंट्रीज फर्स्ट रैंक पे रही है। लास्ट रैंक की बात करें तो 107th रैंक पे चार्ड जो कंट्री है वो रही है। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रियाँ थी, 107। भारत का कौन सा स्थान रहा, 94th, और फर्स्ट रैंक पे टोटल 17 देश रहे। ये जो वैश्विक सूचकांक है ये कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड, और साथ में कौन जारी करता है, विथंगर लाइफ जर्मनी, ये दो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अगला दोस्तों, मानव विकास सूचकांक, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इंडिया का इसमें कौन सा स्थान रहा, 131 रैंक रही है, 131वां स्थान रहा है भारत का। फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट रहा है। लास्ट रैंक की बात करें तो 189 नंबर पे नाइजीरिया रहा है। तो टोटल कितने देशों ने भाग लिया, 189 कंट्री की ये लिस्ट जारी हुई थी। तो इंडिया का आपको मोस्टली याद रखना है, जारी कौन करता है इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना है। पब्लिशर कौन है, UNDP न्यूयॉर्क, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसका जारी करता है या पब्लिशर है। अगला दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में। इंडिया का कौन सा स्थान रहा, तो 48th रैंक रहा है, यानी 48वां स्थान रहा है भारत का। फर्स्ट रैंक की बात करें तो स्विट्जरलैंड का रहा है फर्स्ट रैंक, और लास्ट रैंक की बात करें तो 131 यमन रहा है इसमें। और पब्लिश कौन करता है, WIPO। अब दोस्तों, ये WIPO क्या है, ध्यान रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भ्रष्टाचार सूचकांक 2020, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंडिया का इसमें 86th यानी 86वां स्थान रहा है। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों का सामूहिक रूप से इसमें फर्स्ट रैंक यानी प्रथम स्थान रहा है। लास्ट रैंक की बात करें अंतिम स्थान की, तो 179 सोमालिया और साउथ सूडान का रहा है। पब्लिशर कौन है, तो इसका पब्लिशर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी के अंदर है। अगला दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक, जिसको डेमोक्रेसी इंडेक्स कहते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया का 53rd रैंक रहा है, यानी 53वां स्थान रहा है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो नॉर्वे का रहा है, और लास्ट रैंक की बात करें तो 167th रैंक रहा है नॉर्थ कोरिया का। आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी बिल्कुल कम है। पब्लिशर की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट लंदन UK में इसका मुख्यालय, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 की रिपोर्ट। इसमें दोस्तों इंडिया का स्थान रहा है 85th, 85वां स्थान रहा है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो जापान प्रथम स्थान पे है। लास्ट रैंक की बात करें तो 110th नंबर पे है अफगानिस्तान, 110 नंबर पे। और पब्लिशर की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स लंदन UK द्वारा ये जारी की जाती है। अगला दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में, इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, दोस्तों इंडिया का इसमें स्थान काफ़ी ऊपर है, 139th रैंक रहा है, और पाकिस्तान का इसमें 105th रैंक रहा है। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है, फिर भी देखिए रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो फिनलैंड है। लास्ट रैंक की बात करें
149th नंबर पे है अफगानिस्तान, ठीक है, लास्ट रैंक पे। और ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है यूएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व जोखिम सूचकांक 2020, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें दोस्तों इंडिया का रैंक रहा है 89th रैंक, और फर्स्ट रैंक रहा है वानातू का। वानातू एक कंट्री है। लास्ट रैंक रहा है 135th पे। 29 देश रहे हैं टोटल लास्ट रैंक पे। लास्ट रैंक इसकी 135 है। पब्लिशर की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया का इसमें 63rd रैंक रहा है, 63rd स्थान, और फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड, और लास्ट रैंक पे है 190th रैंक है सोमालिया का, ठीक है। और पब्लिशर कौन है? वर्ल्ड बैंक इसका पब्लिशर है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इंडिया का 63rd स्थान इसमें रहा है। अगला दोस्तों, सतत विकास सूचकांक 2020 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इंडिया का इसमें 117th रैंक रहा है। फर्स्ट रैंक किसका रहा है? तो स्वीडन का रहा है। और लास्ट रैंक पूछे तो 166 पे रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। पब्लिशर कौन है इसका? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंडिया का इसमें 111th रैंक रहा है। फर्स्ट रैंक पे इसमें न्यूजीलैंड है। लास्ट रैंक की बात करें तो 162 पे सीरिया आता है। पब्लिशर की बात करें तो काटो इंस्टीट्यूट यूएसए का और फ्रेजर इंस्टीट्यूट है आपका कनाडा का, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। अगला है दोस्तों वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2020, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया का इसमें कौन सा रैंक रहा है? 112th रैंक रहा है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो आइसलैंड का फर्स्ट रैंक है, और लास्ट रैंक की बात करें तो 153rd नंबर पे है यमन। पब्लिशर की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के द्वारा ये जारी की जाती है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वैश्विक सूचकांक थे, इनके बारे में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो जरूर इनको अच्छे से तैयार करना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा। और अभी तक आपने हमारी ईबुक नहीं परचेज किया तो मात्र 100 रुपये देकर आप ईबुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जीए की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस बुक को आप जरूर परचेज कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अप होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस 100 रुपये की ईबुक में आपको प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टैटिक्स मिलेंगे, सामान्य सचेतता, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड है, और 350+ एमसीक्यूज मिलेंगे। और फ्री में दोस्तों इसमें मिलेगा आपको योजनाएं, पुरस्कार, बजट, बीमा, बैंकिंग उद्योग, ताज़ा आंकड़े, मुद्रा, आरबीआई, इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको इस ईबुक में मिलने वाले हैं। और ये जो ईबुक है ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, तो जरूर आप इसको परचेज कीजिए। ये ईबुक है, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको मेल के थ्रू ये ईबुक मिल जाएगी। अगर किसी को ईबुक नहीं मिलती है तो आपको पेमेंट कंफर्मेशन का थोड़ा वेट करना है, वेट करेंगे तो आपको ईमेल मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको ईबुक अवेलेबल करवा दूंगा। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में मेरी ईमेल आईडी भी आपको शो करने लग जाएगी, तो ज़रूर आप इसको परचेज करना। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।